हथना ले या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीएम सागर है और आप सभी को एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ समझिए कि भारत के किसानों को काफ़ी इस समय समस्या हो रही है और भारत के छोड़िए बिहार के किसानों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा समस्या है। एक्चुअली आप देख सकते हैं हर क्षेत्र में जो कि बिहार के लोगों को काफ़ी समस्या है। अभी हम आपको बता दूं कि मेरा जो ये मुख्य ये बिंदु ये है कि किसानों के हित में जो कि कुछ वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी किसानी चल रहा है और तमाम किसान अपने खेत को पटा रहे हैं, गेहूँ को पटा रहे हैं और उनका उचित समय पर उचित मूल्य पर अगर यूरिया नहीं मिलती है तो काफ़ी समस्या हो रही है। आपको बता दूं कि बिहार में कई पार्टियां हैं लेकिन सभी पार्टी के किसानों को ही उतना ही परेशानी हो रहा है। ये नहीं कि हम बीजेपी के हैं तो आरजेडी के किसानों को ये सब परेशानियाँ नहीं हो रही होगी। आरजेडी के भी किसानों को ऐसा ही परेशानियाँ हो रही होगी जैसे कि बीजेपी के पार्टी के किसानों को हो रही। तो ये बात क्यों नहीं बिहार के आम लोगों को समझ में आती है कि जब चुनाव होता है तो वो पार्टी पार्टी देखने लगते हैं कि हम ये पार्टी के, हम वो पार्टी के, हम ये पार्टी के। अरे भाई, कौन सा पार्टी का हो आप बताओ ना, कौन सा पार्टी का हो? जब पार्टी का हो और बिहार में ऐसा ही समस्या आ रहा है जो कि किसानों को उचित समय पर उचित मूल्य पर उचित जो कि यूरिया नहीं मिल रहा है तो ये सब पार्टी बनाने से क्या फ़ायदा है? और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी आप बिहार के किसानों को और बिहार के आदमी को, तब तक इसी तरह से काफ़ी समस्या हो रही होगी। आप देख सकते हैं कि यहीं पर आप उत्तर प्रदेश में जाइए, यहाँ से समझिए कि 12 रुपये ज्यादा, यानी ये समय एक्चुअली मैं टोटल अभी कैलकुलेशन नहीं किया हूँ लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि बिहार में पेट्रोल 10 रुपया महंगा मिलता है वही आप उत्तर प्रदेश में जाइए 10 रुपया सस्ता मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि टैक्स का जो कि मामला है, लेकिन टैक्स का मामला नहीं है भैया। जिस तरह से यूरिया इस समय नहीं मिल रहा है उसी तरह से समझिए कि हर चीज़ का बिहार में समस्या है। और सबसे बड़ा समस्या ये है कि अगर आप बिहार में जन्म लिए हैं तो आपकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बिहार में कभी ना बेरोजगारी जाएगी, ना समझिए कि मजदूरों का जो कि मतलब समस्या दूर होगा और इसी तरह ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन हाँ, अगर जिस दिन चाह देगी बिहार की किसान एवं बिहार के आम आदमी कि हम रोजगारी बेरोजगारी सब कुछ दूर कर देंगे तो उसका मेन मुख्य समस्या यही है कि आप जो कि चुनाव में पार्टी या जात धर्म के नाम पर ना वोट दें और अपने अच्छा तरीके से मतलब कि वोट करें। और नहीं तो ऐसा ही जो इस समय यूरिया नहीं मिल रही है आप देख सकते हैं, और जो कि काफ़ी लोग कभी 500 कभी 400 ऐसा में 300 में जो कि 250 का यूरिया का आज समय 500 रुपया दे रहा है। तो ये बात समझ में आना चाहिए जो कि चुनाव के समय में काफ़ी जो कि किसानों को समस्या हम काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आज का मेरा छोटा सा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों मैं जितना जाना उतना बताया, आप भी कुछ जानते होगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।